हाय प्रणव की सक्सेना फिर आपके साथ हूँ। आज मैं बताने जा रही हूँ आपको हरी मिर्च का अचार। जाड़े आ गए हैं, हम लोग हरी मिर्च का अचार डालेंगे, सभी घरों में अचार पड़ेंगे। तो कुछ लोगों को मालूम होता है, कुछ लोगों जैसे नए बच्चे हैं या जिनकी नई शादी हो रही है उन लोगों को नहीं मालूम होता है अचार कैसे पड़ता है। तो आज मैं बताने जा रही हूँ जिससे वो लोग देख के सीख सकें। तो ये है हरी मिर्च जिसको मैंने धो के अच्छे से पोंछ के सुखा के रख लिया है। उसके लिए चाहिए हमको सबसे पहले सरसों का तेल, क्योंकि बिना तेल के तो अचार पड़ ही नहीं सकता है। करौंजी थोड़ी ली करौंजी, क्योंकि करौंजी ज़्यादा डालेंगे कड़वी हो जाएगी। मेथी भी बहुत थोड़ी ली जाती है, अगर मेथी हम ज़्यादा डालेंगे तो हमारा अचार कड़वा हो जाएगा। अजवाइन, नमक, जीरा और खड़ा धनिया, आप चाहे तो पिसा भी डाल सकते हैं। मेरे पास खड़ा था, मैं खड़ा डाल रही हूँ। और ये सारे मेरे मसाले और ये राई जो है, ये मेरे पास मेंबर्स मार्क के मसाले हैं। ये सारे मेरे पैकेट खोले थे, मैं दिखा नहीं पाई थी। ये देखिए मेरा सौंफ का पैकेट है। ये मसाले बहुत अच्छे होते हैं, आप यही यूज करिए, बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ही सस्ते होते हैं। ये सौंफ मेरी, ये देखिए मेंबर्स, ये लिखा हुआ है मेंबर्स मार्क। ये देख लिए मैंने पैकेट काट लिया। और मैं दिखाती हूँ आपको ये मसाले कितने साफ शुद्ध होते हैं। ये देखिए कितने अच्छे, कितने साफ सुथरे, कितने अच्छे, इनको बीनने में कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, कितने साफ सुथरे अच्छे होते हैं मसाले होते हैं। तो चलिए मैं सबसे पहले सौंफ मैंने तवा चढ़ा दिया, थोड़ा थोड़ा भूनना, चलिए तवा भून रही हूँ, ज़्यादा तो कढ़ाई चढ़ाती। आपको अगर ड्राई रोस्ट करना है तो तेल वगैरह कुछ नहीं पड़ना है, इसको हल्का हल्का रोस्ट कर लेंगे। इसी तरह मैं सारे मसाले ड्राई रोस्ट कर लूंगी। ये देखिए सौंफ कितने अच्छे से भून गई है, तो मैं इसको निकाल लेती हूँ। इसी तरह सारे मसाले भून लूंगी। मसाले मेरे भून चुके हैं, अब मैं करती हूँ गैस बंद। तवा मेरा बहुत गर्म है, मैं आपको हल्दी दिखाना भूल गई थी। अब मैं इसी पे थोड़ी सी हल्दी डाल के ऐसे ही ड्राई रोस्ट कर लूंगी। देखिए गैस बंद है, तवा बहुत गर्म है। ये देखिए सारे मसाले मैंने मिक्स कर लिए, अब मैं इनको सबको मिक्सी में जाके पीस लूंगी। देखिए फाइन पेस्ट बना लिया मैंने, अब मैं इसको पलट लूंगी इसमें। अब डालती हूँ इसमें हल्दी, इसको मैंने भून लिया, और नमक। कोई भी अचार पड़ता है तो नमक हमेशा ज़्यादा ही रहता है। इसको मैं मिक्स कर लूँगी और इसमें थोड़ा सा तेल, मैं कच्चा ही तेल डालती हूँ, गर्म नहीं करती हूँ। मिर्चों मैंने धो के रखी थी, अब मैं इनको इस तरह से यहाँ से पूरा नहीं चीरूंगी, यहाँ से ऐसे, जिससे कि मिर्च फटे ना और इसमें मसाला अंदर से आराम से भर जाए। इस तरह मैं से सारी मिर्ची, ये देखिए एक और दिखाती हूँ मैं आपको चीर के, इस तरह से यहाँ भी मिर्च पूरी नहीं नीचे करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ पर ख़त्म करेंगे, नीचे तक नहीं करेंगे, जिससे कि इसमें मसाला आराम से भर जाए। ये देखिए इस तरह मैं सारी चीर लूँगी। ये देखिए मसाला हमारा तैयार है, मिर्च भी हमारी तैयार है। अब इसको उठा के चम्मच से नहीं भरेंगे, हाथ से ही भरेंगे, जिससे कि अच्छे से भर जाता है। देखिए कितने अच्छे से भर गया। इसको बंद करके ये मैंने यहाँ पर एक कंटेनर रखा हुआ है, उसमें डालती जाऊँगी और दिखाती हूँ आपको। हाथ से अच्छे से भर जाता है। देखिए मैंने सारी मिर्चें भर ली हैं। ये जरा सा मसाला बच गया, ये भी मैं इसको ऊपर से ऐसे ही डाल दूंगी। ये भी डाल दिया। अब मैं डालूंगी इसमें ये सरसों का तेल। और डाल रही हूँ तेल।
ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अब इसको मैं 2 से 3 दिन धूप में रखूंगी, उसके बाद हमारा अचार खाने के लिए तैयार है। इस तरह आप भी बनाइए, बहुत अच्छा लगता है अचार, टेस्टी। मैं सिरका नहीं डालती क्योंकि मुझे सिरका का स्वाद पसंद नहीं है, इसलिए मैं सिरका नहीं डालती हूँ। आप चाहे तो इसमें सिरका भी डाल सकते हैं, मेरे घर में सबको पसंद है, मुझे सिरका का स्वाद पसंद नहीं, अचार तो मैं भी खाती हूँ इसलिए मैं सिरका नहीं डालती हूँ। आप चाहें तो आप सिरका डाल सकते हैं, नहीं तो मैं राई राई से ही खट्टा हो जाता है ये। तो इसी तरह आप बनाइए एक बार और बना के टेस्ट करिए। और प्लीज़ अगर आपको अचार अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें।